हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग जी। देखिए तो अभी सुबह के 4:30 के करीब टाइम हो चुका है, तो अभी मैं जा रहा हूँ आज लुधियाना। तो मेरा कीबोर्ड में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो नया कीबोर्ड लेने के लिए हम लुधियाना जा रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको आज के ब्लॉग में, वेट टू लुधियाना। चलो जी। राधे राधे जी, देखिए तो अब हम पहुंच चुके हैं बटसर में, जहाँ से व्यू पॉइंट है देखिए नीचे डैम का। तो आपको दिखाता हूँ मैं नज़ारा। और सुबह के अभी 6 बजे हैं, लेकिन इतनी ठंडी हवा और इतना मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आनंद। आप भी लुफ्त उठाइए इस दृश्य का, दिखाते हैं आपको अलग एंगल से, देखिए नज़ारा। और यहाँ से व्यू पॉइंट है, और नीचे देखिए डैम का नज़ारा, और साथ में पहाड़ियाँ और ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और मेरे साथ मेरे भाई लोग, देखिए फोटोग्राफी करते हुए सरदार भाई जी और शिल्लू भाई जी। क्या बात है। और ये हमारी गाड़ी, अभी ऑन द वे टू लुधियाना है हम। सामने मंदिर भी है, देखिए पहाड़ियाँ और रोड ऐसे हैं जैसे देखिए सांप की तरह। तो आप आए हमारे हिमाचल में, मजे से आए, आनंद लें इन जगहों का। यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा है, दिखाते हैं आपको किसी और एंगल से आगे, जहां जहां अच्छी जगहें दिखेंगी मैं आपको दिखाता रहूंगा। देखिए वर्षा साली का पिकनिक स्पॉट भी यहां पे लिखा गया है। अभी यहां का व्यू देख के अभी हम चल पड़े हैं, थोड़ी देर में आपको रोड का नजारा दिखाते हैं। देखिए राधे राधे जी, तो अभी हम पहुंच चुके हैं लुधियाना शहर में। 9:30 बज चुके हैं और धूप इतनी तेज है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो अब दिखाते हैं लुधियाना मार्केट का नज़ारा आपको। देखिए मेरे दो साथी और साथ में लुधियाना मार्केट इस साइड, और ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। देखिए हमारे हिमाचल में इतनी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल रहे हैं और गाड़ियों की तो लाइन लगी हुई है। फाइनली हमारी जहाँ पे हम आए हैं वो शॉप खुल चुकी है, RC म्यूजिक सेंटर, रिपेयर सेंटर। यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, अच्छी शॉप है। चलो आपको दिखाता हूँ मैं शॉप का नज़ारा। आप देखिए ये शॉप, ये है RC म्यूजिक सेंटर। यहाँ पे देखिए सेल एंड सर्विसेज, यामाहा, कैसियो, लैंड कॉर, एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। तो आप कभी भी आइए लुधियाना में, तो यहाँ पे आपको, और हमारे हिमाचल से तो मैक्सिमम आर्टिस्ट यहीं पे आते हैं, तो आज हम भी आए हैं नया कीबोर्ड लेने के लिए। तो मैं आपको शॉप के अंदर दिखाता हूँ। अभी हमारा कीबोर्ड खोला गया है, ये देखिए भाई चेक कर रहे हैं हमारे कीबोर्ड में कौन सा वॉल्ट है। तो साथ में हम अपना पैड भी लेके आए हैं, ये देखिए स्टोर, और यामाहा 1000 नंबर, इसको खोला जा रहा है, चेक किया जा रहा है। तो अभी आए और आनंद ले आगे। गुरुदेव जी जिनके पास हम इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, आज हम लुधियाना में आए हैं, तो इनके स्टोर को मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। और ये रहा इनका स्टोर, यहाँ पे हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। तो आपको कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो लुधियाना में आइए आप, यहाँ पे इनके स्टोर में सब कुछ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर दे दूँगा। और देखिए किस तरह से इनका स्टोर भरा हुआ है। और ये हमारे अंकल जी जिनके काफ़ी अच्छे दाम हैं,
सब काम बहुत बढ़िया और पेयर भी खुद करते हैं, तो आप आएँ लुधियाना में और इनसे खरीदें। इस मार्केट में जब हम आए तो बिल्कुल खाली थी ये मार्केट, लेकिन अभी तो सब जगह बाइक्स लगी हुई है और गाड़ियाँ और ट्रैफिक और लोग। आपको दिखाता हूँ एक और एंगल से, क्योंकि अभी हम निकलने वाले हैं लुधियाना से। देखिए गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं और सब मार्केट खुली हुई है यहाँ पे। तो चलो दिखाते हैं कुछ और भी चीज़ें आपको किसी और एंगल से। अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो ये देखिए हमारे हिमाचल की हसी वादियाँ। अभी हम वापस आ चुके हैं लुधियाना से, ऊना के पास पहुँचने वाले हैं। तो उससे पीछे ये थोड़ा स्टेशन आता है, तो यहाँ पे नज़ारा बहुत ही अच्छा, मनमोहक पहाड़ियाँ और साथ में देखिए गाड़ियाँ आती हुई। बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन अब थोड़ी शांति मिली है हमें अपने हिमाचल में आके। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया हमने तो काफ़ी हद तक गर्मी से राहत मिली। अब हम जा रहे हैं राहत फतेह अली खान को सुनते सुनते। ये देखिए रोड काफ़ी अच्छे बना दिए गए हैं लेकिन मोड़ जो कि बहुत ज़्यादा है। और फौजी भाई हमारे करते हुए तैयारी। तो ये है हिमाचल के रोड, जब भी आए आराम से आए। सामने देखिए देखिए पुलिस वालों ने नाकाबंदी कर रखी है हर जगह पे, लेकिन अब इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी कोशिश पुलिस वालों के द्वारा। हमारी हिमाचल पुलिस हर जगह पे साथ देती हुई हमारा। नहीं तो ऊना तो फिर पंजाब के साथ लगता है, फिर पंजाब अपना पंजाब हो गए। तो अभी हमारे उस्ताद जी गाड़ी चला रहे हैं। उस्ताद जी गाड़ी भी जानते और हमारे सरदार जी आराम फरमाते हुए, और मैं कैमरामैन आपके साथ लगातार बना हुआ हूँ। चलो किसी और एंगल से मिलते हैं। ये देखिए खूबसूरती हमारे हिमाचल की, सड़क के किनारे ऊंची ऊंची चोटियाँ जिनके लिए पंजाबी लोग इतने दूर दूर से आते हैं। पंजाबी क्या, ऑल इंडिया से घूमने हमारे हिमाचल में आते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा। ये है ऊना हमारा, रोड में काफ़ी सुधार हो चुके हैं। अब देखिए साथ में सनसेट का नज़ारा। थोड़ी देर बाद सनसेट होने वाला है। गर्मी से परेशान होके अब हम आइसक्रीम लेके आए हैं खाने के लिए, और मेरे दो साथी देखिए सुबह जो बम बन के गए थे। अभी देखिए पंजाब में जाकर जो गर्मी का बम फटा है ना, उसके बाद हमारी खूबसूरती बाहर आई है। उसी खूबसूरती का आनंद लेते हुए हम यहाँ पे। Thank you.
ये देखिए लुधियाने की मार्केट में हम पहुंच चुके हैं के पास होंगे हम, जहाँ से हमारी लेक का नज़ारा और नीचे गरीबदास मंदिर का नज़ारा दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप भी आएँ, मज़े करें, आनंद लें। पानी में है वो मंदिर, पानी के बीच में, लेकिन आजकल शायद पानी सूख गया होना तो उसकी वजह से। लेकिन दिखाता हूँ थोड़ी देर में आपको वो मंदिर भी, लेकिन चलो कोशिश करूँगा। ये लुधियाने की मार्केट, देखिए वापस उसी पॉइंट पे हम पहुंच चुके थे जहां हम सुबह रुके थे। ये बहुत ख़तरनाक मोड़ है और यहां पे ट्रक वगैरह आ रहे हैं। जब भी आप गाड़ी लगाएं तो आराम से देख के लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक मोड़ है, खूनी मोड़ के नाम से ये जाना जाता है। लेकिन व्यू अभी थोड़ी बैड लाइट के कारण मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकता, तो अब हम निकलेंगे घर के लिए। राधे राधे जी। तो देखिए रात के करीब 10 बजे हम घर में पहुंचे थे, बीच में थोड़ा रुक रुक के आए तो हम लेट हो गए थे। तो ये था हमारा लुधियाना का ट्रिप, जो अचानक से ही बन गया था क्योंकि मेरे कीबोर्ड में दिक्कत आ गई थी और लॉकडाउन खोलने के कारण अब हमारे प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं। कीबोर्ड लेके आए हैं ताकि अच्छी तरह से तैयारी कर सके और चलते प्रोग्राम में कोई दिक्कत ना आए। काफ़ी अच्छा हमारा ट्रिप रहा, बातचीत करते हुए समय का पता नहीं चला और वहाँ पे भी बहुत अच्छे दाम में हमें कीबोर्ड मिला। और वहाँ पे हमारे सौरभ भाई और बाकी उनके एक और भाई थे वहाँ पे, उनका मेरे को नाम भूल गया, और प्रभजोत गुरु जी, उन सब ने बहुत अच्छा सहयोग किया हमारा, अच्छी तरह गाइड किया और प्रत्येक चीज़ हमें अच्छे दामों में दी। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी अगर कीबोर्ड लेना चाहते हैं या कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लेना चाहते हैं तो सीधा लुधियाना जाएं। लुधियाना में आपको आर्ची म्यूजिकल सेंटर, काफ़ी अच्छे दाम है उनके और सब कुछ बढ़िया अच्छे तरीके से आपको मिलेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार प्रेम बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसे राधे।